राधे राधे, आज मैं आपको कान्हा जी की ये सुंदर सी चप्पल बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने अंगूठे वाली बनाई है। देखो, ये वाली चप्पल बनाने के लिए हम ना थर्माकोल की सीट लेंगे एक मोटी, और उसके ऊपर ये वाला देखो इस तरह का पेपर, बाजार से ये सीट आती है, ये चिपकाएंगे। आप इस पे चिपकाना चाहो तो कपड़ा भी चिपका सकते हो। और ये बनाने के लिए मैंने इस तरह की लेस का यूज, ये देखो ये नग वाली लेस आती है, ये काफी टाइट होती है। आप इसमें से एक लड़ी काटेंगे, ये ऐसे कट जाएगी। ऐसे कट जाती है ये, तो आपको ये ऐसे काट के एक लगानी है यहाँ पर ऐसे। तो जैसे भी आप लगाएंगे ये वैसे ही खड़ी रहेगी। देखो, मैं आपको एक तरह की चप्पल बनाना सिखा रही हूँ, उससे आप सब चप्पल बना सकते हो। और इस वाली चप्पल को बनाने के लिए मैंने ये वाली लेस का यूज़ किया है, और इसको मैंने ऐसे डबल कर लिया है ग्लूगन से चिपका कर ऐसे। और इस वाली चप्पल को बनाने के लिए मैंने इस तरह की सीट का यूज़ किया है। जो सीट हमने कान्हा जी के हेट बनाया था, उससे हमने ये वाली चप्पल बनाई है। और इस वाली चप्पल के नीचे देखो मैंने ये चम्मच लगाई है, और ये मैंने छोटे से पीस काट के इसकी एड़ी लगा दी है। देखो, इस तरह हमें पीस तैयार करने हैं, एक इधर पैर का और एक इधर पैर का। इसमें मैंने दो दो पीस पेस्ट किए हैं ऐसे। तो ऐसे हम सबसे पहले हमें जितना भी ये चाहिए, ये इसको हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे, ऐसे करके और ऐसे। सबसे पहले हम ऐसे पेस्ट कर लेंगे, ये आप अपने अंदाज से जितना भी आपको अच्छा लगता है उतना बना सकते हैं। और इसका डिजाइन हम ऐसे बनाते हैं, कुछ जैसे हमारी चप्पल की शेप होती है। देखो, ये हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके आगे से थोड़ा चौड़ा ऐसे, यहां से ऐसे घुमा देंगे ऐसे। तो एक हम इस पैर का काटेंगे और एक इस पैर का, इसको उल्टा कर देंगे तो इधर का बन जाएगा। देखो, जैसे ये दोनों मैंने काट रखे हैं, या आप ऐसे रख के भी काट सकते हैं, तो दोनों एक इधर का एक इधर का कटेगा ऐसे मोड़ के। पहले आप किसी न्यूज़पेपर पे काट लीजिए, फिर निशान लगा के ऐसे काट। ये बनाने के लिए मैंने इस तरह की शाइनिंग वाली लेस ली है। अब हम सबसे पहले इसमें ग्लू गन से ये पट्टी पेस्ट करते हैं। देखो, पहले हम ऐसे निशान लगा लेंगे दोनों चप्पलों पे। अब हम इस पे ऐसे ग्लू लगाएंगे, ऐसे अच्छे से लगाएंगे जिससे अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब हमने ग्लू लगाया, अब हम इसको आधे में ऐसे रखेंगे, इस वाली पट्टी को ऐसे, और आधे में इसको लाके ऐसे पेस्ट कर देंगे ये ऐसे। देखो, अब हम इसके पीछे ये वाला पीस पेस्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर पूरे के ग्लू लगाएंगे ऐसे। देखो, इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे ऐसे, और ऐसे दबा देंगे। देखो, ये बनाने में कितनी इजी है। देखो, ये जो हमारा थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, तो इसको हम कटिंग करके एक सार कर लेंगे। देखो, इसको हम ऐसे काट देंगे। अगर आपको और सुंदर अपनी चप्पलों को बनाना है, तो इसके चारों तरफ आप ये नग ऐसे कुछ भी लगा सकते हो, बारीक सी कोई डोरी भी लगा सकते हो, और ऐसे ये नग वाली लेस भी लगा सकते हो ऐसे। देखो, इस तरह कान्हा जी की प्यारी सी चप्पल बन के तैयार हो गई है। देखो, ये वाली मैंने कैसे बनाई है, ये वाली देखो, इसको मैंने चम्मच पे पेस्ट किया है। सबसे पहले हम ये दोनों एक ही साइज की हैं, हमने देखो इसमें हमें ये एक एक पीस चाहिए बस। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखो, बिल्कुल इसी तरह ये वाली पट्टी हम इसमें यहाँ पे लगाएंगे।
ये बड़े वाली, और छोटे वाली से अंगूठा बनाएंगे। देखो यहाँ पे भी उसी तरह ग्लू लगाएंगे, ये। अब हम इसको भी ऐसे ही लगाएंगे जैसे ये लगाया था, आधे से शुरू करेंगे ऐसे और आधे पे ऐसे ले आएंगे। ये थोड़ा सा हार्ड है इसलिए थोड़ा ऐसे, ये देखो। अब हम यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे। अब हम सबसे पहले इसको इस वाले चम्मच पे ऐसे पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो जो हम अंगूठा लगाएंगे वो इजीली लग जाएगा। तो सबसे पहले अब हम इसी स्पून पे ये लगाते हैं ग्लू। देखो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। अब देखो जो हमारा अंगूठे बनाने वाली है, अब हम इसको ऐसे स्पून में लेके, इसे पेंसिल में लेके, या कोई और चीज है आपके पास, ऐसे गोल कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा ही गोल हो जाएगा ऐसे। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये भी ग्लू भी लगा सकते हो। ऐसे ऐसे जब ये थोड़ा सा भी पेस्ट हो जाएगा तो अब आप यहाँ पे ग्लू लगा के इसको इस पे चिपकाएंगे। अब हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। देखो अब हमें ये भी देखना है कि एक पैर का हमारा इधर अंगूठा है तो अब हमें किस साइड लगाना है, ये दोनों चप्पल हमारी एक साथ ना बन जाए। देखो ऐसे अब हमें इस साइड अंगूठा लगाना है तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे ऐसे। देखो ये ऐसे पेस्ट कर देंगे ऐसे, और इसके अंदर ये पेंसिल डाल के ही ऐसे दबा देंगे। देखो इसको ऐसे पेंसिल से करके ऐसे दबा देंगे। देखो इस तरह कान्हा जी की प्यारी सी चप्पल बनके ऐसे अंगूठे वाली तैयार हो गई। देखो इसके पीछे मैंने ऐसे हिल भी लगाई है, तो आप ऐसे छोटे छोटे से पीस काट के, दो पीस काटिए और इनको ऐसे चिपका लीजिए आपस में। अब हम इन पे ग्लू लगा के इसको चप्पल के पीछे लगा देंगे ऐसे, जिससे ये दिखाई ना दे ऐसी जगह पे लगाएंगे। देखो ऐसे ये इस तरह कान्हा जी की चप्पल, इस तरह कान्हा जी की प्यारी सी चप्पल बनके तैयार हो गई है ऐसे। ये देखो ये हिल वाली चप्पल बन गई है, और ये हमने थर्माकोल की सीट पर बनाया है ये वाली, और उनपे इस तरह का ये पेपर लगाया है। देखो इस तरह कान्हा जी की चप्पलें बनके तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।